नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी हैं इन दोनों की कि गुजरात के अंदर जो मोदी की डिग्री मांगने का मामला था, उसमें इन दोनों की ही जो एप्लीकेशन थी, जो जमानत याचिका थी, वो खारिज हो चुकी है। इन्होंने संबंध को कैंसिल करने के लिए जो जोर लगाए थे, ये बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं और अब शायद अब तो जेल में जाना पड़ेगा। यानी कि आने वाले दिनों में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, उनको मोदी की डिग्री और मोदी की डिग्री को फर्जी बताना, ये सारा मामला, ये सारा झूठ बोलना उन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जो गुजरात की जो अदालत थी, उसने इनके संबंध की जो कैंसिल करने के लिए जो पेटिशन फाइल की थी, उसे आज निरस्त कर दिया है। ये सत्र अदालत जो है, ये जे एम भट्ट जो वहां के जज थे, वो जे एम भट्ट हैं। उन्होंने इनकी जो एप्लीकेशन इन्होंने उन संबंध को हटाने के लिए, जो कैंसिल करने के लिए लगाई थी, उन्होंने उसको ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि जब संबंध भेजा है तो इन दोनों लोगों को कोर्ट में आकर अपना जवाब दाखिल करने से कौन रोक रहा है, क्यों नहीं आना चाह रहे हैं। इसलिए वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं और उनको इनको कहते हैं कि ये दोनों के दोनों जो आरोपी बनाए गए हैं, ये खुद अपने आप कोर्ट में आए और संबंधित कोर्ट के सामने पेश होकर वहां पर अपनी बात रखें। ये वहां की अदालत ने कहा है। आपको याद होगा कि गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी मामले पर जिस डिग्री को ऑनलाइन कर दिया था, मोदी नरेंद्र मोदी की, उस डिग्री पर संजय सिंह और केजरीवाल बार बार हल्ला मचाते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताते रहे थे। ये अनपढ़ बताना इतना हो गया था, हर मंच पे उन्हें अनपढ़ बोलना। तो लास्ट में जब उन्होंने ये कहा कि इसकी मोदी की डिग्री है ही नहीं, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने उस डिग्री को ऑनलाइन कर दिया था और उसको कोई भी देख सकता था, वो पब्लिक डोमेन में थी। इसके बाद भी ये दोनों नेता आम आदमी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताने से बाज नहीं आ रहे थे। इसके बाद जो गुजरात यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार थे पीयूष पटेल, उन्होंने इन दोनों के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था गुजरात कोर्ट के अंदर, और वही गुजरात कोर्ट ने उस मानहानि के मुकदमे को एक्सेप्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को बाकायदा सम्मन भेजा था और उन्हें फिजिकली पेश होकर अपनी बात रखने के लिए कहा गया था। लेकिन ये दोनों इस कदर डरे हुए थे कि ये गुजरात की कोर्ट के अंदर पेश ही नहीं हुए और भागकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई और इनको कहा कि वापस जाइए और अपना जो है एप्लीकेशन संबंधित अदालत के सामने सुनवाई होगी, वही देखेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इनका इन्हें यहां से मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इनको अगर देखा जाए तो इन्हें आने वाले समय में किसी भी तरीके से उससे छूट चाहिए थी, इसलिए ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से बच जाए। अगले शनिवार को इनकी पेशी होनी है वहां अदालत में, इससे पहले ये उस संबंध को कैंसिल कराने के फिराक में घूम रहे हैं तभी से। लेकिन सत्र अदालत में जब ये पहुंचे उस एप्लीकेशन को कैंसिल कराने के लिए, तो आज सत्र अदालत ने भी इनको फटकार लगाते हुए फिजिकली संबंधित अदालत के सामने पेश होकर अपनी बात रखने की बात कही है। और इस रिजेक्शन के बाद, यानी कि इनकी पेटिशन को ठुकराए जाने के बाद, अब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जल्दी ही इस मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में इनको सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। हालांकि बार बार अरविंद केजरीवाल ने हर जगह पर जितने भी झूठ बोले थे, उसने
तकरीबन सभी झूठ बोले थे, और जितने भी झूठ उनके पकड़े गए यानी कि उनपे केस हुए मानहानि के, उन सभी में जब सजा का मौका आया तो इन्होंने उसमें संबंधित जो लोग थे जिन्होंने जिन्होंने इनको पार्टी बनाया था, इनको आरोपी बनाया था, उनसे माफी मांग ली थी, जिनमें अरुण जेटली, विजेंद्र गुप्ता जैसे लोग दिल्ली के अंदर थे, जिनसे इन्होंने माफी मांगी थी, और बाकायदा इनको तब जाके इनका पीछा छूटा था उस झूठ से। लेकिन गुजरात के अंदर शायद ये ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जितने भी कोर्ट थे सबका दरवाजा खटखटा कर देख लिया, सबने उसको मना कर दिया और इनको सीधे संबंधित अदालत में जाने की सलाह दी हर कोर्ट ने। तो अब इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं आने वाले दिन में, क्योंकि शनिवार को अगले हफ्ते जो शनिवार आएगा उसमें इन दोनों को संबंधित अदालत के अंदर फिजिकली पेश होना है। हो सकता है उस दिन अदालत इतनी नाराज हो जाए कि इन्हें वहीं से गुजरात की जेल की हवा खिला दे, ये भी हो सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।